अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ट शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। बारिश के कारण महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का बुरा हाल है। बुधवार को लगातार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने आज के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया है। बरसात के दिनों में मुंबई की यह तस्वीर कोई नई भी नहीं है। हर साल निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों की चौखट पार कर जाता है। बीते साल भी यही नज़ारा देखने में आया था। बरसात में लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन BMC की व्यवस्थाएं साल दर साल ऐसी कभी नहीं रही जिसके निचले इलाके में रहने वाले लोगों की दुश्वारियां कम हो सकें। बुधवार को कई इलाकों में जलभराव इस तरह रहा कि लोगों ने अपने वाहनों को सड़क फ्लाईओवर पर एक साइड में खड़े करके भाग निकलना ज़्यादा बेहतर समझा। तेज हवा के कारण कई जगह पर पेड़ भी गिर गए, जिससे हानि भी हुई। हालात ये हैं कि सिर्फ 12 घंटे में ही मुंबई के कोलाबा इलाके में इतनी बारिश हो गई जितनी 46 साल में कभी नहीं हुई। आज यानी गुरुवार को भी मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट जारी है और तेज हवाएं चलने की बात भी कही गई हैं। आज सुबह 12:45 कोल्हापुर में बारिश के कारण 9 राज्यों के हाईवे जबकि 34 सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। BMC की ओर से सभी जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की लिस्ट भी जारी की गई है। BMC के पास करीब 150 ऐसी शिकायतें दर्ज की गई हैं जहां पेड़ टूटकर गिर गए हैं और यातायात अवरुद्ध हो गया है। मुंबई नासिक हाईवे पर काफ़ी लंबा जाम लगा है। इसके अलावा कल्याण भिवंडी बाईपास मुंबई बाईपास पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि दोपहर 2:45 हाई टाइड आ सकती है। 4.33 मीटर की ऊंचाई तक की हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। मुंबई पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें, बहुत अधिक जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। बचाव व राहत के लिए अलग अलग इलाकों में NDRF की कुल 16 टीमें तैनात की गई हैं। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया जिसके कारण 2 लोकल ट्रेनें फंस गई हैं, जिसके बाद NDRF की टीमों ने इन ट्रेनों में से 290 लोगों को रेस्क्यू किया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई ठाणे पालघर जैसे इलाकों में रिकॉर्ड और बारिश हुई है। पिछले 12 घंटे में मुंबई में 215.8 mm तक बारिश हो चुकी है, जबकि हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रही। यही कारण रहे कि कई जगह पेड़ बोर्ड टूटे हुए हैं और घरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस खबर में आज इतना ही। आप अपने आप को सुरक्षित रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।